बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं जोहर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और हकीकत में मुझे जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मैं कोई PSL के इवेंट के पे आया हुआ हूँ। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड, थैंक यू सो मच। मेरे लिए काफ़ी सारी खुशी की चीज़ें। दूसरी चीज़ ये खुशी की है कि मैंने अपने क्रिकेट प्रोफेशनल इस ग्राउंड से शुरू किया। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनकी बहुत ज़बरदस्त एफर्ट की वजह से यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। साथ में क्योंकि हम सब जितने भी हैं क्रिकेटर्स प्रोफेशनल्स, हमने टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की, और टेप बॉल क्रिकेट को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके लेके चलना, ये जोहर आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथ में जो असल चीज़ है वो इस लीग को आगे प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका भी जाएगी और भी जगहों पे इसको लेके जाएंगे। असल चीज़ ये होती है कि मैनेजमेंट का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से देख रहा हूँ मैं, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, जावेद भाई, जावेद मिनाज साहब, तो आई थिंक दे ऑल आर प्रोफेशनल। इनके पास बड़े अच्छे आइडियाज, बड़े अच्छे प्लान्स होंगे इस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। और मुझे खुशी की बात और भी है कि हमारे जितने प्रोफेशनल टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया में मैचेस जाएंगे, नजर आएंगे, उनका टैलेंट नजर आएगा। हम भी टेप बॉल के क्रिकेटर थे, आप लोग भी टेप बॉल से करें, इंशाल्लाह आप में से कोई ना कोई पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन अगर फोकस पाकिस्तान टीम होगा तो आप लोग लाजमी, आप लोगों को मौका मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरा, मैं किस तरह इनका हिस्सा बना, उसकी एक वजह थी कि जोहर आए मेरे पास, उवैज मीर, कि हम आपको एज एम्बेसडर लेना चाह रहे हैं, हम आपको इतने पैसे देना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। दूसरा, आप मेरी फाउंडेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारी फाउंडेशन के क्योंकि फॉलो कर रहे थे चीजों को, और खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान है कि 60-70% पाकिस्तान आपका सैलाब पानी में है, तो उसके लिए हमारे डिफरेंट इस वक्त जो जरूरत है वो राशन, टेंट्स एंड मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिंध एंड देन बलूचिस्तान। लेकिन इससे बड़ा प्रोसेस जो रिहैबिलिटेशन का है वो आगे जाके होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझसे पाकिस्तान के लिए ये काम ले ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाजीन। इस वक्त मेरे साथ वो शायकीन क्रिकेट है जो पूरे पाकिस्तान में जाकर अपने आवाज़ के जादू से जो है वो मैच को ज़िंदा करता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दाऊद बूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज बहुत अच्छी कमेंट्री की है आपने जो मैच था, और देखा जा रहा है कि शाहिद खान आफरीदी जो हमारे लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट के, तो उन्होंने आपको ऑटोग्राफ भी दिया है। मैं मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अहम तरीन दिन है, और आज मुझे खुशी इतनी ज़्यादा है अपने आप पे कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। मेरी जितनी भी मैंने मेहनत करी थी ना उसका आज मुझे समझे फल मिल गया, क्योंकि मैं एक मुझे वक्त याद पड़ता है कि मैं 8 घंटे का सफ़र, मुझे पता चला था शाहिद आफरीदी ने लाड़काना आना है, मैं 8 घंटे का सफ़र करके स्पेशल शाहिद भाई के लिए लाड़काना पहुँच गया था, और वहाँ पर शाहिद भाई ने मुझे अपनी फाउंडेशन की कैप गिफ्ट करी थी, और यहाँ पर आज स्पेशल शाहिद भाई मुझे मेरी शर्ट पर कमेंट्री पसंद करके, मैंने उनके नाम पर शेर व शायरी करी है, तो उन्होंने कमेंट्री सुन के मुझे अपने जो शर्ट पे सिग्नेचर हैं वो कर दिए, और मैंने उनका कल बोला कि शायद भाई सिग्नेचर चाहिए, वो कहता यार तुम्हारे दोनों साइड पे करना है, तो मेरे फ्रंट पे भी उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, बैक साइड पे भी कर दिया, और मुझे आज बड़ी खुशी है, और ये मैं जो शर्ट है इंशाल्लाह ऑक्शन पर लगाऊँगा, और इसका जितना भी आएगा जो भी होगा फंड्स वगैरह होंगे वो मैं इंशाल्लाह जो हमारे सलाब जदगान है उनको इंशाल्लाह मैं भेजूंगा, इसमें से जो 50% है वो सलाब जदगान को इंशाल्लाह भिजवाऊंगा। मैं ये ऑक्शन पे लगा रहा हूँ मैं शर्ट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी काविश है, और जितना ही इस तरह के रॉ टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा उतना कम है। शाहिद खान आफरीदी का हम तहे दिल से शुक्र अदा करेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने जो है इस तरह के टैलेंट को जो है वो उभारा है, और जो ऑटोग्राफ दिया है वो नियत रखते हैं कि जो सैलाब जदगान हैं उनको डोनेट करेंगे।
एक और हवाई मार्ग, बचपन की यादें ताजा होते हैं यहाँ पे।